शिवपुरी शहर एवं मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज जैन समाज द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की घोषणा की है। झारखंड में स्थित सम्यक शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के अधिसूचना आने के बाद देश भर में जैन समाज द्वारा कड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आंदोलन तहसील स्तर से किया जा रहा है। शिवपुरी के आसपास स्थित अन्य जिलों में भी जैन समाज द्वारा यह आंदोलन के साथ कड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जैन समाज की मांग है सम्यक शिखर जी को पर्यटन स्थल ना घोषित करते हुए पवित्र स्थल घोषित किया जाए। जैन समाज द्वारा केंद्र सरकार के नाम अभी कुछ दिन पहले शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु आज जैन समाज द्वारा प्रतिष्ठान बंद कर विरोध में रैली निकाली जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा जो जैन समाज का प्रदर्शन किया जा रहा है, किस प्रकार का क्या मामला है? केंद्र सरकार द्वारा 2 अगस्त 2019 को जो जैन समाज का, जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र है झारखंड में सम्यक शिखर जी, उसके लिए पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उसके विरोध में पूरे भारत वर्ष में जैन समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारा सबसे पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र है और उसको हम किसी भी परिस्थिति में पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे। इसके लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज पूरे शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले को बंद रखा गया है। गुना भी बंद है, अशोक नगर भी बंद है और शिवपुरी जिले के पूरे तहसील स्तर पर सभी जगह बाजार बंद और सभी व्यापारियों द्वारा पूरे भारत में हम सबको समर्थन दिया जा रहा है। जैन समाज शांति प्रिय समाज है, अहिंसक समाज है और देश के लिए तन मन धन से हमेशा समर्पित रहती है और आज उसके ऊपर ये इतना बड़ा कुठाराघात किया गया है कि पूरे जैन समाज की भावना से आयत हुई है। इसलिए पूरी जैन समाज भारत भर की केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वो सम्यक शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित ना करके शीघ्र अतिशीघ्र पवित्र घोषित करें। इसके बाद भी आपकी अगर डिमांड पूरी नहीं होती क्या कराएंगे? पूरे समय तक जब तक केंद्र सरकार अपनी अधिसूचना को वापस नहीं लेती पूरे भारत वर्ष में जैन समाज अपना आंदोलन जारी रखेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।